मैंने कहा आंटी जी मैटर बड़ा हो जाएगा तो देख लेंगे। उसके भाई का भी, उसका भाई लाइव में आके धमकियां ये देता है कि जहाँ दिखेगा सड़क पे वहीं मार देंगे ये वो। मम्मी पापा से मिलेंगे ना, वो मैंने उससे बात करने, मम्मी पापा बताऊँ कि मम्मी पापा ज़्यादा अच्छा हो गए बात करने में गया। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है भाई, उसकी मम्मी ना मतलब मुझे स्टार्टिंग में ना 5 सेकंड अच्छी लगी, पर ना 5 सेकंड के बाद ना पता नहीं मतलब जो मतलब व्लॉग में ना आंटी बहुत प्यारे और रियलिटी में मतलब कि ना मैं शॉक हो गया। तो ज्यादा बुलेट वालों के कारण, अब देखो जिसका शौक है बुलेट उसमें साइलेंसर अच्छा लगा रहा है, बट रोका हो सकता है स्टॉक साइलेंसर लगाते उसके बाद अच्छी होती है, पतले से लगा देते ना वो दिक्कत करता है। उसके मम्मी पापा से मिला था मैं ना बेसमेंट में कावासाकी का शोरूम में कावासाकी का पहले ना मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैंने अभी बताया नहीं ना ब्लॉग में अपने, तो हुआ क्या था, मैं गया बेसमेंट में मम्मी पापा से मिलेंगे ना, वो मैंने उससे बात करने, मम्मी पापा बताऊँ क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा अच्छा हो गए बात करने में गया। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है भाई, उसकी मम्मी ना मतलब मुझे स्टार्टिंग में ना 5 सेकंड अच्छी लगी, पर ना 5 सेकंड के बाद ना पता नहीं मतलब जो मतलब ब्लॉग में ना आंटी बहुत प्यारे और रियलिटी में मतलब कि ना मैं शॉक हो गया। तो देख लेंगे क्या कर लेंगे, तो ऐसी वर्डिंग बोली आंटी ने मेरे को, पर ये चीज़ ना मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी पर अंकल के गोप्रो में रिकॉर्ड हो रखी थी बात, तभी तो उसने बात बोली। बहुत ज़्यादा सीन हुआ, फिर मैंने कहा आंटी जी नमस्ते, मैंने कहा आंटी जी मैटर बड़ा हो जाएगा तो देख लेंगे। उसके भाई का भी, उसका भाई लाइव में आके धमकियां ये देता है कि जहाँ दिखेगा सड़क पे वहीं मार देंगे ये वो। जरूरत ही नहीं है चेन सेट की। देखो हम क्या करते हैं, हम राइटर्स को सपोर्ट, अगर मैं जाता ना उस दिन एसपी सर ऑफिस में, मैं उनको ना एग्जॉस्ट को अलग तरीके से बताता, वो तुम सबके लिए फायदेमंद रहता, और उसने जो करता दिखा के आया ना वो हम सबको। देखो कुछ नहीं है, 2000 चालान कटने का जैसे छूट जाएगी, पर वो देना ही क्यों है भाई। अब एग्जॉस्ट हम थोड़े लगा रहे हैं, इंडोनेशिया की पुलिस ना H2 को लेकर घूमती है, इसमें एग्जॉस्ट लगा पड़ा है। कोई नहीं यार, तुम अरे तुम 2 मिलियन करवा दो, कल H2 ले आता हूं। तो यार मेरा मतलब इतनी मेरी दादी की डेथ हुई ना, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था उसको ना, तो थोड़ा मैं जोन से बाहर हो गया था, और इस चीज़ का उसने बहुत ज़्यादा फायदा उठा लिया। पर मैं इस डिस के चक्कर में अटकन रहता है, मेरी दादी ने बोला आगे निकलने का रास्ता ढूंढो, ये सब छोटे मोटे इसके चक्कर में अपने मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखो यार, यूट्यूब से पहले ही मेरा घर चल रहा था, और यूट्यूब एक तरह की फैमिली होगी मेरे लिए, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ क्योंकि आप सब लोग को अच्छे लगते हैं। देखो मेरा यूट्यूब बंद हो गया और मेरी फैमिली तब भी चलती रहेगी, उसका यूट्यूब बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, तो भाई फैमिली बंद मतलब सब धंधा पानी सब बंद हो जाएगा एक तरीके का। तो बस ये है कि वो सोचता है कि यार यूट्यूब से चल रही है, यूट्यूब एक फैमिली की तरह है, ये पैसे कमाने का जरिया समझता है वो, मैं मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं है। मेरे जो यूट्यूब से पैसे आते हैं ना मेरे बाइक में ले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उस चीज़ तो मैं ब्लॉग में दिखाता भी नहीं अपने, जैसे मैंने इसको पैसे दे दिए, हम नहीं दिखाते चीज़ें, किसी आश्रम में चले गए मैं नहीं दिखाता ये चीज़ें। मैं अभी इतने गर्ल्स और क्या होता है लेप्रेसी आश्रम है वहाँ पे गया था, वहाँ मैंने पैसे डोनेट करे, मैंने नहीं दिखाया ब्लॉग में, क्योंकि हम चीज़ें दिखाने से रील बनाने से कुछ होता थोड़ी ना, हम ये चीज़ें दिखाते नहीं। अब मैंने किसी को 1000 रुपये दे दिए, नहीं दिखाता है मैं, बल्कि कम दिखाता 10 रुपये थे 20 रुपये थे ताकि नॉर्मल रहे ऐसा है। पर देखो यार तुम सब लोग को पता है कि उसने गलत करा है, और होता क्या है कि ऑडियंस ना एक बस की तरह होती है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जिधर घुमाऊँगा ना आप सब लोग उधर ही घूम जाओगे, तो देखो एक 100 बार छूट बोलो एक बार पकड़े जाओगे। और उसके बाइक्स में नंबर प्लेट भी नहीं है, और बाइक को रैप करना लीगल नहीं है, अगर आप उसे 30% लीगल रैप है, पूरा कलर पूरा रैप नहीं है, वो कलर होना चाहिए कम से कम। हाँ, और जैसे मैं भी रैप करवा रहा हूँ, पर मैं ऐसा रैप करवाऊँगा कि मेरी बाइक का थोड़ा कलर दिखे। कल को ठोक दिया मैंने किसी को, तो मेरे बाइक का तो रैप पहचान ही नहीं पाएंगे, मैं तो रैप बता रहा हूँ तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो ऐसे यार इसमें जो सही से लगा वो डालना, कुछ बिकेगा यार, वो बीट है उधर है भाई, इधर नहीं है। मेरा मानना है, देखो मेरा मानना है, मेरे बारे में बात कर रहा है,
तो इसका मतलब मैं हंगामा मचा रहा, शोर मच रहा है इसका मतलब। तवाई मच रही है इसका मतलब। देखो डर ऐसा है कि अगला वाला बढ़ने वाला है ना, कि रॉकेट लॉन्च होने वाला है तो रॉकेट को रोकने की कोशिश करिए, पर रॉकेट रुकेगा नहीं, रॉकेट फाड़ता निकलेगा 20 से, और जो जो आएगा सब साइड हो जाएंगे। रॉकेट को हम देंगे धक्का। अरे बिल्कुल, आप सब लोग का प्यार है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, और मेरे एग्जाम भी चलते थे ना, अगर मैं सब्सक्राइब मिल जाता तेरे, मैं लेट को था कॉलेज के लिए, रास्ते में मुझे हर रोज सब्सक्राइबर मिलते हैं, हर रोज 5-10 मिनट कॉलेज पहुंचता 12:30, टीचर बाहर खड़ा कर देती है, रोज लेट। एक बोलता ही इज गेटिंग लेट फॉर कॉलेज एवरी डे, फन फैक्ट। मैंने कहा लेट इसलिए होता कि आप सब लोग मिल जाते हो, मैं चाहता नहीं किसी बच्चे का दिल झुक जाए, मैं चला गया, मैं उल्टा घुमा के जाता हूँ। एक दिन पड़े सर ने रोक दिया मेरे को कि तुमने ऐसे कैसे घुमा दिया, मेरा सब्सक्राइबर था, फिर सर ने कहा ठीक है जाओ। तुमने देखा होगा पुलिस वाले सर थे ना, हमेशा अच्छे वे से बात करो, पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के लिए उससे अच्छे वे से बात करो, जब वो रोकते रुक जाओ, भागोगे ना तो वो और बंदों को भी उसी नजर से देखेंगे। मैं कल पुलिस से भागता नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, एग्जॉस्ट इनबिल्ड है, एक ना एक इधर उधर पहुंच जाओ बस। बाकी सबको पता है यार, बिहाइंड द सीन सबको पता है क्या इनबिल्ड है क्या इनबिल्ड नहीं है। चलो गाइस अब थोड़ा मैं भी रेस्ट करूँ।